रेल दी बंदिश को इतलार साथ है कम से कम 10-12 साल थे दसान तो कदा भी ट्रेन इतना नहीं डिठी से अच्छा। और नाम क्या से जका बाद सफर हुए घंटे दा थिंदा है दसा 2.5 घंटे मारे ने 2.5 घंटे मारे ने पीछे सफर पूरा थिंदा है जका बाद दाखिल थिंदे जो इंजीनियरिंग की वजह रेलवे की पटरी जो बिछाई करते हैं ट्रेन गिर जाती है लाइन से निकल जाती है। वैसे तो 2 साल अभी तो मुकम्मल बिल्कुल ख़त्म हो गई है मगर हफ्ते में एक दिन चलाते थे इसको 8 साल हो तकरीबन 8 साल हो गए हैं। हमारा मुतालबा ये है कि ये ट्रेन सर्विस बहाल हो। ये गरीब सर्विस है ट्रेन की, इसमें किराया कम है और वक़्त की बचत है इसमें। ट्रेन तो हमारा जरिया है आमदोरफ्त का, उनके बंद होने से तकलीफ बहुत है शहर को। ट्रांसपोर्ट ट्रेन के जरिए हमें बहुत कराची से या क्वेटा से हमारा सामान बहुत जल्द पहुंच जाता था और अभी ट्रांसपोर्ट की वजह से 2-2, 3-3 दिन लग जाते हैं और बहुत सा सामान ऐसा होता है जो ट्रांसपोर्ट में टूट जाता है मगर ट्रेन में बगैर नुकसान के और आसानी से पहुंच मिल जाता था हमें। ट्रेनों की बंदिश हमें तो यही लगता है कि ट्रांसपोर्टरों की मिली भगत से बंदिश की गई है। 1940 से ये ट्रेन बहाल थे हमारे अंग्रेजों के दौर में। उस टाइम तकरीबन 6 ट्रेनें और 2 रेलकार चलती थी लाड़काना और जगबाद के लिए और सुबह को और 12 बजे और शाम उनकी क्रॉसिंग कभी उस्तावा में होती थी कभी उमेदली जोड़ी जो का स्टेशन है वहाँ पे। और 6 ट्रेन और 2 रेलकारों की इतनी आमदनी थी कि गवर्नमेंट और महकमा ट्रेन खुशहाल था। और इस पर अभी बंद होने से जो भी रेलवे स्टेशन उस्तावामंद है जो भी इसके बीच में आते हैं सिद्धार्थकोट है बड़ी खैरो है या कंबरअली खान है बहराम स्टेशन है उन पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। यहाँ तक के जो ऑफिस है पोस्ट मास्टर ऑफिस है या जहाँ टिकट घर है उस पर भी कब्जे हो गए हैं।